Well, it's first of all a great privilege for me to be here. ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ. And I really mean that. और इसका मैं वास्तविक रीति से अर्थ रखता हूँ. Each one of you has been called of God. आप में से प्रत्येक जन जो है प्रभु के द्वारा परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं. To carry the greatest message that has ever been given to men. वो उस महान संदेश को पहुंचाने के लिए जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है. The destiny of the entire world depends upon the message that you carry. जो पूरे संसार का जो अंत है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो संदेश परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है. It is the gospel of Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है. And the power of God for salvation to everyone who believes. और परमेश्वर के उद्धार की सामर्थ्य जो कोई उस पर विश्वास करता है. It is not an exaggeration to tell you. ये किसी प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके आपको बताना नहीं है. That at the moment that you stand up and preach the gospel. जिस समय आप खड़े होते हैं और आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं. You are the most important person in the world. आप संसार में उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. Do you understand me? क्या आप इस बात को समझते हैं? The message of the gospel is the message that men must understand to be saved. परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो एकमात्र एक ऐसा संदेश है जिसको मनुष्य को उद्धार प्राप्ति के लिए समझना है. It is the one message that angels in heaven long to hear. ये एक ही ऐसा संदेश है सुसमाचार है जिसको स्वर्गदूत सुनने की अभिलाषा रखते हैं. When you walk out on the street and preach the gospel, जब आप सड़कों पे जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, men may laugh at you and ignore you. मनुष्य आप पर हंस सकता है, आपका तिरस्कार कर सकता है. But do you realize that all the angels in heaven stop to listen? लेकिन क्या आप इस बात का अनुभव करते हैं कि स्वर्गदूत जितने हैं जो स्वर्ग में हैं, वो रुककर आपके सुसमाचार को सुन रहे हैं? They would desire, they long to be given the message that's been given to you to preach. और उनकी ये अभिलाषा है उस सुसमाचार के लिए जो आपको दिया गया है ताकि वो आप दूसरों को पहुंचा सके, प्रचार कर सके. The gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार. I want to grab every one of you by the shoulders and just shake you. और मैं चाहता हूं कि मैं आपके कंधों को पकड़ के आपको हिला दूं. And say, are you listening to me? और मैं चाहता हूं कि मैं कहूं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? You are the most privileged men on the face of the earth. कि आप इस पृथ्वी पर सबसे अधिक सौभाग्यशाली लोग हैं. You have been given the greatest task that can be given a man. कि वो एक सबसे महान कार्य आपको दिया गया है जो मनुष्य को मिल सकता है. To preach the gospel. सुसमाचार का प्रचार करना. Now you may be thinking, well, yes, I need to preach the gospel, but then what do I need to do after that? आप ये सोच रहे होंगे मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है लेकिन उसके बाद मुझे और क्या करना है? Brothers, you need to understand something. मेरे भाइयों आपको इस बात को समझना अनिवार्य है. You preach the gospel. आप सुसमाचार प्रचार करते हैं. And you preach it again. और आपको फिर प्रचार आप करते हैं. And again. और फिर प्रचार करते हैं. And again. और फिर प्रचार करते हैं. And you keep teaching people more and more about the gospel. और आप लोगों बार 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 सुसमाचार के बारे में सिखाते हैं, सिखाते रहते हैं. And you say, well, what do I do when I get finished? और तब आप कहेंगे कि मैं क्या करूं जब मैं समाप्त कर लूंगा? You never get finished. आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते. The message is too big. ये जो संदेश है वो बहुत विशाल है. If you live for a thousand eternities, you will still not fully understand the gospel. यदि आप संसार में उस अनंत तक जीते रहें, तब भी आप सुसमाचार को समाप्त नहीं कर सकते. If you lived a thousand eternities, you would still not be able to proclaim everything about the gospel. यदि आप अनंत तक इस संसार में रहें, तब भी आप उस सुसमाचार को पूरे विशाल के रूप में नहीं सुना सकते. Now maybe you're saying, I don't understand. आप ये कहें कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं. The gospel is this. सुसमाचार ये है. Jesus died. यीशु ने मृत्यु सही. He was buried. वो
गाड़ा गया. He rose again from the dead. वो मृत्यु में से जी उठा. I mean, I've just preached the gospel. और ये मैंने सुसमाचार का प्रचार कर दिया. What do you mean I'll never be able to fully understand it? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पूरी रीति से इसको समझ नहीं पाया? Jesus died for the sins of men. यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए मारा गया. You could spend an eternity studying that truth and never fully comprehend it. आप पूरे अनंत तक इस सत्य का अध्ययन करने में व्यतीत कर देंगे, लेकिन फिर भी उस गहराई को या पूर्ण बात को नहीं समझ सकेंगे. One of the great problems today. आज एक सबसे बड़ी जो समस्या है. Is that the gospel of Jesus Christ has been reduced to something that will fit in a little track. कि आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इतना छोटा बना दिया गया है वो किसी एक चीज में उसको थाम लिया जाए. Four spiritual laws. चार वो आत्मिक जो नियम है. Five things God wants you to know. परमेश्वर पांच चीजें आपसे चाहता है. And that is called the gospel. ये सुसमाचार है. That is not even the beginnings of the gospel. ये वास्तविक से सुसमाचार का आरंभ भी नहीं है. It's not even the beginning. ये आरंभ भी नहीं है. Most men who preach the gospel do not understand it. बहुत सारे लोग जो सुसमाचार को प्रचार करते हैं इस बात को नहीं समझने पाते. And because of that, the people of God do not understand it. और इसीलिए इसी तरह से बहुत सारे प्रभु लोग भी प्रभु के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते. This week we're going to study the gospel. और इस सप्ताह हम सुसमाचार पर अध्ययन करना चाहते हैं. And when we finish. और जब हम समाप्त करेंगे, we will not be finished. हम समाप्त नहीं करने पाएंगे. You will realize that you haven't even started. आप इस बात को अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे कि यहाँ तक हमने अभी आरंभ भी नहीं किया. Now let's go to 1 Corinthians 15. आइए हम पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में जाएं. Verses 1 through 4. पहले पद से लेकर पांच पद तक. पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय पहले पद से लेकर पांच पद तक. Yes, sir. मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ. I'm reading in Hindi. हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसमें तुम स्थिर हो, जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो, इसी शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दृढ़ता से थामे रहो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ. मैंने ये बात जो तुम तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा. तब वो कैफा को और फिर बारह को दिखाई दिया. In the first verse, Paul says, "Now I make known to you, brethren, the gospel." और पहले पद में पॉल उस बात को कहता है कि मेरे भाइयों, मैं तुम्हें वो सुसमाचार सुनाता हूँ. This is the great task or responsibility of the preacher. ये प्रचारक की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ा काम है. To make the gospel known to lost people. ताकि वो जो खोए हुए लोग हैं उनको वो सुसमाचार सुना सके, बता सके. But it is also the responsibility of the preacher to make the gospel known to those who believe. लेकिन प्रचारक की एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो सुसमाचार को जानते हैं उनको वो और अधिक विस्तार के साथ सुसमाचार बता सके. It works like this. ये इस प्रकार से कार्यकारी होता है. The more the Christian understands the gospel, जितना अधिक मसीही लोग सुसमाचार को समझेंगे, the more the Christian will become conformed to the gospel. उतना अधिक वो सुसमाचार के लिए वो परिवर्तित होते चले जाएंगे. Many people think that we should preach the gospel to lost people. बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं जो खोए हुए लोग हैं उनको हम सुसमाचार का प्रचार करें. And once they receive Christ, और जब वो मसीह में आ जाएं, we should teach them all the rules and commandments of Christianity. और तब हमें उन्हें मसीहत के सारे उन नियमों को उनको सिखाना है. There are rules and commandments in Christianity. मसीह जीवन में वो नियम और सारी व्यवस्थाएं तो जरूर हैं. But you don't start with the gospel and then go back to the law. लेकिन आप सुसमाचार से आरंभ करके उस आप नियमों में नियमावली में नहीं जा सकते. You teach them the gospel. आपको सुसमाचार को उनको सिखाना.
And you keep teaching them the gospel. और निरंतर सुसमाचार को सिखाते रहना है. You go deeper and deeper. आप और अधिक गहराई में और गहराई में बढ़ते जाना है. And as they learn more about what God has done for them in Christ. और जितना अधिक वो इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए क्या किया है. They will gain an appreciation for God. वो परमेश्वर के प्रति और अधिक कृतज्ञ होंगे. A greater love for God. परमेश्वर के महान प्रेम होगा. And they will be changed. और वो परिवर्तित होंगे. Let me give you an example. एक उदाहरण मैं आपको दूं. Why do I not lie? मैं क्यों झूठ नहीं बोलता? Because of what God has done for me in Christ. कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए कुछ किया है. Why do I try to love my wife and lay down my life for her? मैं क्यों अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं और अपनी पत्नी के लिए मैं प्राणों को देने के लिए भी तैयार रखता हूं? Because of what God did for me in Christ. क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे लिए मसीह में किया. Why do I want to leave the world and not be like it? और मैं क्यों संसार को छोड़ना चाहता हूं और मैं उसके समान नहीं होना चाहता? Because of what God did for me in Christ. क्योंकि मसीह में परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया. Many times when you preach, you look at the congregation. और कितनी बार आप जब प्रचार करते हैं आप उस झुंड को देखते हैं. And you're telling them they need to be more committed. और आप उनको ये कहते हैं कि उनको और अधिक समर्पित होना है. You need to be more committed. आपको और अधिक समर्पित होना है. You need to do this. आपको ये करना है. You need to do that. आपको ये करना है. And they have more knowledge of certain things than they know how to obey it. लेकिन उनके पास ज्ञान तो बढ़ रहा है कुछ बातों के लिए, लेकिन वो नहीं जानते किस प्रकार से करना है. The great problem is not that they do not know; they lack the motivation. वो समस्या जो है, बड़ी समस्या यह है, ये नहीं कि वो नहीं जानते, लेकिन उनको जो प्रेरणा मिली थी वो नहीं है. And so you yell at them. और इसलिए आप उनसे इस प्रकार की आशा करते हैं. You beat them. आप उनको कई बार धमके देते हैं, मारते हैं. What they need is more of the gospel. लेकिन जरूरत क्या है कि वो और अधिक सुसमाचार को जाने. The more a true Christian understands what God has done for them. और एक सही मसीह जो है, एक सच्चा मसीह जो है, वो जितना अधिक इस बात को जानता है परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया. The more they will serve God. उतना अधिक वो परमेश्वर की सेवा करेंगे. And the love of God will control them. और मसीह का प्रेम जो है उनको नियंत्रित करेगा. We don't tell people you need to come to church because it's what good Christians do. और हमें लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि तुम को कलीसिया में आना चाहिए, चर्च में आना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे मसीह कर रहा है. We tell them you come to church because Jesus died for you and rose again from the dead. हम उनसे कहते हैं कि तुमको कलीसिया में आना है क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए मरा और तुम्हारे लिए मुर्दों में से जी उठा. We don't tell people not to be worldly just because it's wrong. आपको लोगों को ये नहीं कहना है कि हमें संसारिक तक में नहीं जाना है क्योंकि ये गलत है. We tell them not to be worldly because Jesus shed his blood for them. और हम इसलिए उनसे कहते हैं कि आप संसारिक ना बनिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को के लिए बहाया है. The knowledge of the love of God in Christ will begin to control them. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जो ज्ञान है वो उनके उनको नियंत्रित करेगा. People need to know the gospel. लोगों को सुसमाचार को जानना है. Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं. How much time do you spend explaining the gospel to your congregation? कि आप अपने लोगों को सुसमाचार सुनाने में कितना समय व्यतीत करते हैं जो आपके समूह में है? Let me ask you another question. मैं दूसरा प्रश्न पूछूं. How much time have you spent teaching your congregation the attributes of God? कितनी बार, कितना अधिक समय आपने परमेश्वर के गुणों को सिखाने के लिए अपने झुंड में समय व्यतीत किया है? How many months and years have you done that? कितने महीने और कितने साल आपने किए हैं? Maybe you're saying, well, I've hardly ever taught on the attributes of God. शायद आप कहें कि शायद मैंने बहुत कम इसमें समय दिया. But that's the most important thing they can know. लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है जो उनको सीखना और जानना है. How can a people who do not know their God serve their God? कि किस प्रकार से लोग जो अपने परमेश्वर को नहीं जानते वो अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे? Let me ask you a question. मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना. How much time have you spent studying just the gospel? कितना अधिक समय आप सुसमाचार को जानने के लिए, सीखने के लिए समय व्यतीत करते हैं? How many years? कितने समय, कितना साल? How many hours a day? कितने घंटे एक दिन में?
How much time, how many years have you spent studying the attributes of God? कितना समय आपने परमेश्वर के गुणों को जानने के लिए या सीखने के लिए अपना समय व्यतीत किया है? Do you begin to see the problem? क्या आप इस समस्या को देख रहे हैं, कहां से आ रहा है? People in Christianity today talk about so many things. कि आज मसीहत में लोग जो हैं बहुत सारी बातों के लिए बात करते हैं. Preachers are looking for strategies in order to do things. लोग बहुत जो प्रचारक हैं वो रणनीतियों को देख रहे हैं बहुत सारी चीजों करने की. And they've never even studied the attributes of God. लेकिन वो परमेश्वर के गुणों को कभी अध्ययन नहीं करते. They've never spent a great deal of time studying the gospel. कि कभी भी वो सुसमाचार का अध्ययन करने में समय व्यतीत नहीं करते. If you are a preacher, you are also a scribe, a student. लेकिन अगर आप प्रचारक हैं तो आप एक विद्यार्थी भी हैं, सीखने वाले भी हैं. You are to spend hours to know God and know His gospel. आपको बहुत समय व्यतीत करना होगा परमेश्वर के सुसमाचार को जानने के लिए, उसको जानने के लिए. And you are to go to God's people and teach them the important things. और तब आपको परमेश्वर के लोगों पास जाना होगा और उन्हें महत्वपूर्ण बातों को सिखाना होगा. Who is God? परमेश्वर कौन है? What is His gospel? उसका सुसमाचार क्या है? What has he done for us in Christ? उसने मसीह यीशु में मेरे और आपके लिए क्या किया? I think that it is amazing that most students who study in a Bible institute, और बहुत सारी एक विचित्र सी बात है कि बहुत सारे लोग जो बाइबल कॉलेज में जिन्होंने अध्ययन करा है बाइबल विद्यालयों में, they spend 3 years studying in the Bible institute. वो 3 साल उन बाइबल विद्यालयों में व्यतीत करते हैं. And in those 3 years, they spend only a few weeks studying the attributes of God. और बहुत ही उन 3 साल में थोड़े से हफ्तों को परमेश्वर के गुणों को सीखने के लिए व्यतीत करते हैं. And less than a few weeks studying the gospel. और उससे भी कम सप्ताह जो है वो सुसमाचार को सीखने में व्यतीत करते हैं. Do you see the problem? आप उन समस्या को देख रहे हैं? We don't know God. हम परमेश्वर को नहीं जानते. We don't know His gospel. हम उसके सुसमाचार को नहीं जानते. Yet these are the greatest things to know. ये दो चीजें हैं जो बहुत विशेष हैं जिसको हमें जानना है. And the greatest things to share to God's people. और ये विशेष चीज है जो हमें परमेश्वर के लोगों के साथ बांटनी है. Paul had preached the gospel to the church in Corinth. पौलुस ने कुरिन्थी कलीसिया को सुसमाचार प्रचार किया था. But he's preaching it again. लेकिन फिर से पुनः वो प्रचार कर रहा है. Not simply because there was error in what they were believing. केवल इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर जो वो विश्वास करते हैं उनके बीच में कुछ कमी अभाव है. It was Paul's practice to constantly be teaching people the gospel. ये पौलुस का एक तरीका था, उसका अभ्यास था, जो निरंतर वो लोगों को सुसमाचार प्रचार करता था. Now he says, I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you. वो इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें उस सुसमाचार को चाहता हूं कि तुम जान सको जो सुसमाचार का प्रचार मैंने किया. He says, the gospel that I preached to you. वो सुसमाचार जिसको मैंने तुम्हारे साथ प्रचार किया. Do you know what this world needs today? आप जानते हैं क्या, जानते हैं कि संसार को इस समय आवश्यकता क्या है? Preachers. प्रचारक. If I'm sitting in a congregation, अगर मैं इस झुंड में समूह में बैठा हूं, and a man gets up and stands behind the pulpit, और एक व्यक्ति खड़ा होता है, पुलपिट के पीछे खड़ा होता है, and he says, I just want to share with you a few things that I feel, और वो अगर ये कहे कि मैं आपके सामने कुछ बातों को बांटना चाहता हूं जिसको मैं महसूस करता हूं, or I want to share with you my heart, और वो ये कहे कि मैं अपने हृदय को आपके साथ बांटना चाहता हूं, I'm probably going to get up and walk out, और मैं शायद खड़ा होऊंगा और मैं चला जाऊंगा. I don't want to know what's in his heart. मुझे नहीं मालूम उसके हृदय में क्या है. I want to hear a word from God. लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के द्वारा वचन को सुनना चाहता हूं. I want someone to preach to me. मैं चाहता हूं कोई मुझे प्रचार करे. Many of you are missionaries and pastors. आप में से बहुत लोग हैं जो सुसमाचार सेवा में और पासवान हैं. Are you preachers? आप क्या प्रचारक हैं? Do you spend time every day in the Word of God? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ समय को व्यतीत करते हैं? Do you spend time on your knees in prayer? क्या आप अपने घुटनों के साथ समय को व्यतीत करते हैं प्रार्थना के लिए? Are you men of God? क्या आप परमेश्वर के लोग हैं? Or are you administrators? या आप केवल एक संचालन करने वाले हैं? And strategists? किसी तरह से रणनीति को लेकर चलने वाले हैं?
trusting in the arm of the flesh instead of trusting in the Spirit of God. वो उस जो शरीर के हथियार हैं उन पर भरोसा रखने के लिए बजाय उसके जो आत्मिक हथियार हैं उनको पर भरोसा रखा जाए. When I got up this morning, जब मैं सुबह से उठा, my primary responsibility was not thinking about preaching to you. मेरी पहली प्राथमिकता आपको प्रचार करना नहीं थी. It was about meeting with God in prayer. मेरी पहली प्राथमिकता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में मिलना था. We must first of all be men who stand before our God. हम वो लोग होने हैं जो पहले हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके. Men of prayer. प्रार्थना के लोग. And men who study the scriptures deeply. और वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करने वाले. So that when we stand up, we preach the word of God in the power of God. और जब हम इसलिए खड़े होंगे तो हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की सामर्थ में सिखा सकेंगे. Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. Are you a missionary or a pastor? क्या आप मिशनरी या पास्टर हैं? Then my question is, are you a preacher? प्रश्न में मेरा क्या प्रचारक है? Can you stand before God's people and say, "Thus saith the Lord"? क्या आप लोगों के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन कहता है? And if you say you are a preacher, और यदि आप कहते हैं आप प्रचारक हैं, then I ask you, how much time every day are you in the Word? और तब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि प्रतिदिन आप कितना अधिक परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करते हैं? Answer that question honestly right now to yourself. आप अपने आप से ईमानदारी के साथ इस प्रश्न का उत्तर दें. You say you've been to Bible school. आप कहेंगे मैं बाइबल स्कूल में गया. If you bring me your diploma, या आप अपने डिप्लोमा को लेकर आए, I'll tear it up. मैं उसको फाड़ दूंगा. I don't care. मुझे उसकी कोई चिंता नहीं. Do you meet with God? क्या आप परमेश्वर से मिलते हैं? Are you in His Word? क्या आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं? Are you a man of prayer? क्या आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं? Brothers, this is so important. मेरे भाइयों बहनों ये बहुत महत्वपूर्ण है. The devil is walking around in the street. जो शत्रु शैतान है वो उन सड़कों में चहल रहा है, घूम रहा है. People are in total complete bondage to their own sin. लोग जो अपने पापों के बंधन में पूर्णतः बंधे हुए हैं. Strategies are not going to advance the kingdom of heaven. जो रणनीतियां हैं वो परमेश्वर के राज को आगे नहीं बढ़ाएंगी. The strength of our arm cannot defeat the enemy that's out there. वो जो शारीरिक हथियार हैं वो किसी प्रकार से उन संसार के उन शारीरिक शैतान के शक्तियों को सामना नाश नहीं करेंगे. Our intellect is not strong enough. हमारा जो ज्ञान है वो नहीं करने पाएगा. Our eloquence is not strong enough. हमारी जो भावना है वो नहीं करने पाएंगी. Only the power of God. केवल परमेश्वर की सामर्थ. Manifest in a man of God. Manifest in a man of God. वो जो एक लालसा में व्यक्ति वो परमेश्वर का व्यक्ति है. A man who knows God. वो परमेश्वर वो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है. And is known by God. और वो परमेश्वर के द्वारा जाना जाता है. Who understands the gospel. वो परमेश्वर के सुसमाचार को समझता है. And preaches it. और उसको प्रचार करता है. We know that there is a lot of wrong teaching on the Holy Spirit. और हम जानते हैं इस बात को कि पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं. And there is a lot of wrong teaching on the supernatural. और बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षा हैं जो मतलब एक अद्भुत काम करने के बारे में हैं. But if you're a preacher, लेकिन यदि आप प्रचारक हैं, your life is supposed to be supernatural. आपका जो जीवन है वो समझ से परे होने वाला होना है. You meet every morning with a supernatural God. आप उस परमेश्वर से मिलते हैं जो विशिष्ट परमेश्वर है. And His power should be working in you. और उसकी सामर्थ आपके जीवन में क्रियाशील होनी है. And His supernatural message ought to be coming out of you. और वो आपका विशिष्ट उसका विशिष्ट संदेश आपके मस्तिष्क में आपके जीवन में उतरना. And throughout our lives we ought to see people converted. और हम जीवन के अंत तक हमारे द्वारा लोग परिवर्तित होते चले जाएं. People growing in holiness. लोग पवित्रता में बढ़ते जाएं. True life. सच्चा जीवन. Lives changed. मैं जीवन बदल सके. This is what you are. ये आपका कार्य है, ये आपके हाथ में है. You are a preacher. आप प्रचारक हैं. You need to dedicate yourself to that. आपको अपने आप को उसके लिए समर्पित करना है.
So many men that have been called to preach. बहुत सारे लोग प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं. They're like little administrators. लेकिन वो धीरे-धीरे करके वो एक प्रबंधक बन जाते हैं. They're like bureaucrats in the government. वो जैसे सरकार में कुछ लोग अधिकार को प्राप्त करके बैठते हैं, वो बैठ जाते हैं. They run around doing all kinds of things but never accomplish anything. वो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कभी वो पूर्ण करने नहीं पाते. You will not have wasted your life if you do the following things. अगर आपने उन सारी चीजों को आप करेंगे, आप कभी भी अपने जीवन को क्या नाम से बर्बाद नहीं होने देंगे. If you spend an hour or so every day just reading God's word to know Him. यदि आप अधिक से अधिक समय घंटे आप परमेश्वर के वचन को जानने के लिए व्यतीत करेंगे. If you spend an hour or two every day in prayer. यदि आप घंटे घंटे प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे. Maybe you have heard of E.M. Bounds. He was a man who wrote a lot on prayer. आपने हो सकता है कि आपने सुना हो E.M. Bounds के बारे में, जिन्होंने बहुत कुछ प्रार्थना के बारे में लिखा है. I'm reading through all his books one more time. और मैं एक बार फिर से उनकी सारी किताबों को पढ़ रहा हूँ. He prayed 4 hours a day. वो 4 घंटे प्रार्थना करते थे एक दिन में. From 4 o'clock in the morning to 8 o'clock in the morning. सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक. God mightily used him. और परमेश्वर उसको बहुत ऐसे से उपयोग किया. The praying Hyde, John Hyde of India. और भारत के जॉन हाइड थे, अपने नाम सुना होगा, जो पंजाब साइड से थे. Man of prayer. वो प्रार्थना के व्यक्ति थे भारत के. Do you know who one of the greatest men of prayer was? आपको मालूम है कि प्रार्थना करने वाला सबसे महान व्यक्ति कौन था? Was also considered one of the greatest preachers who ever lived. वो जो संसार में जो हुए हैं उनमें से एक महान प्रचारक भी गिना गया. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon का आपने नाम सुना होगा. You know him as a great preacher. वो एक महान प्रचारक के रूप में थे. But he was a great preacher because he was a great prayer warrior. वो एक बहुत महान प्रचारक थे क्योंकि वो एक बहुत प्रार्थना के साथ युद्ध करने वाले भी थे. So we need men who know the gospel. So हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सुसमाचार को जानते हैं. And we need men who will preach the gospel. और हम ऐसे लोगों भी चाहते हैं जो प्रार्थना करने वाले लोग. And having preached the gospel, we must command men to receive it. और जो सुसमाचार को जानते हैं, जो सुसमाचार को प्रचार करते हैं और जो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं. Paul says, "The gospel which I preach to you, which also you received." और पौलुस कहता है, जिस सुसमाचार को मैंने प्रचार किया है, उसको तुमने ग्रहण भी किया है. Now I am from the United States of America. मैं अमेरिका से हूँ. And some good things have come out of my country. और मेरे देश से कुछ अच्छी चीजें भी आई हैं. But some terrible things have come out of my country. लेकिन कुछ दुखद चीजें भी मेरे देश से आई हैं. And one of the most terrible things that have come out of my country is the way my country preaches the gospel. और सबसे दुखद चीज जो मेरे देश से आई है वो ये कि जो तरीका सुसमाचार को प्रचार करने का मेरे देश से आया है. Superficial gospel. वो ऐसा सुसमाचार जो दिखावटी. And then after preaching the gospel, we tell men to do just a few little things, and if they do them, they'll be saved. और उस सुसमाचार के लिए कि कुछ चीजों को उनको दिखाया जाता है कि आप इस तरह से करेंगे तो आप इस बच जाएंगे. We tell them to receive Christ. हम उनको कहते हैं कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो. Which is biblical. वो बाइबल के अनुसार है. But we tell them the wrong way to do it. लेकिन हम उनको इस कार्य करने के लिए गलत तरीका बताते हैं. Let me give you an example. मैं एक उदाहरण दे दूं. We share the gospel with someone. हम एक के साथ सुसमाचार बांटते हैं. And then we say, "Would you like to receive Jesus?" और तब हम कहते हैं कि आप सुसमाचार यीशु को स्वीकार करने के तैयार हैं? And maybe they say, "Yes." और तब वो कहेंगे हाँ. What must I do? अब मुझे क्या करना है? We'll pray this prayer and ask Him to come into your heart. और हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रार्थना करो कि यीशु आपके हृदय में आए. Can you find that in the Bible? क्या इस प्रकार की चीज आप बाइबल में पाते हैं? Pray this prayer and ask Jesus to come into your heart. किस प्रकार की प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाए? Nowhere. कहीं नहीं. Now men call upon the name of the Lord, they'll be saved. ये सच है, जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा.
But there's a big difference between calling on the name of the Lord and just repeating a prayer. उस प्रार्थना को दोहराना और प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेना दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है. The gospel must be received. सुसमाचार को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है. But how should it be received? लेकिन किस प्रकार से इसको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है? Jesus said the time is fulfilled. प्रभु यीशु मसीह ने कहा समय पूर्ण हो रहा है. And the kingdom of God is at hand. कि स्वर्ग का राज हाथों में है. Repent and believe the gospel. पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो. How are men saved? किस प्रकार से बच सकता है? By repenting and believing the gospel. उस पश्चाताप करने के द्वारा और सुसमाचार पर विश्वास करने द्वारा. How do they receive Christ? किस प्रकार से वो मसीह को स्वीकार करेंगे? By repenting of their sins and believing the gospel. अपने पापों को से पश्चाताप करने द्वारा और सुसमाचार पर विश्वास करने द्वारा. There are so many people in my country that believe that they are saved and they are not. बहुत सारे लोग मेरे देश में हैं जो इस बात पर कहते हैं कि वो उद्धार पाए हुए लोग हैं लेकिन नहीं है. They live in sin and disobedience. वो पाप में और अनाज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत करते हैं. But if you ask them if they are saved, they will say yes. लेकिन आप उनसे पूछें कि क्या आप वो बच चुके हैं? वो कहेंगे हाँ हम बच चुके हैं. You say, well, how do you know you're saved? कि उनसे पूछे कि आप किस प्रकार जानते हैं कि आप बच के उद्धार पाया है? Because I received Jesus, they say. वो कहेंगे कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है. I prayed that prayer and asked him to come in. मैंने उस दिन उस पर इस प्रार्थना को क्या उससे कहा मेरे हृदय में आओ. That's superstition. ये एक विचित्र सी बात है. It's not biblical. ये बाइबल के आधार पर नहीं है. Can a man call out to God and be saved? क्या एक मनुष्य परमेश्वर को पुकार करके बच सकता है? Absolutely. जरूर. But he is a man who has repented of his sins and believed. लेकिन वो व्यक्ति जिसने पश्चाताप किया है और अपने पापों से पश्चाताप किया और विश्वास किया है. And what is the evidence that he really has repented and believed? और इसका प्रमाण क्या है? क्या सच में उसने पश्चाताप किया और विश्वास किया है? He will begin to grow in Christ. वो मसीह में वो बढ़ने लगेगा. He will begin to walk in holiness. वो पवित्रता में चलने लगेगा. We are saved by faith alone. वो हम केवल विश्वास के द्वारा ही बचाए जाते हैं. But if we have believed, we have been regenerated by the Spirit of God. यदि हमने विश्वास किया है तो हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम जन्माए गए हैं. We are new creatures who will live a different way. हम एक नई सृष्टि है जो एक भिन्नता का जीवन व्यतीत करेंगे. To receive the gospel is to take Jesus into our lives as Savior and Lord. सुसमाचार को स्वीकार करने मतलब है प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेना जो हमारे जीवन का प्रभु स्वामी है. To take him in as our food, our sustenance of life. वो हमें अपने जीवन को इस प्रकार से लेना है जैसे वो हमारा भोजन हो और हमारे जीवन को बचाने और बना के रखने वाला है. Many people think that salvation is like taking a vaccination. कि कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि जो उद्धार जो है वो एक प्रकार का अब चलते हैं इंजेक्शन लगाना है. They say, I prayed the prayer, I asked Jesus to come in. मैंने प्रार्थना की और मैंने यीशु से कहा तो मेरे अंदर जीवन में आ जा. They say, I've already done that. और मैंने एक बार कर दिया है. Or if you ask them, have you repented and believed? They'll say, I've already done that. और कहेंगे आप उनसे कहेंगे कि आपने पश्चाताप किया है? हाँ मैंने कर लिया है. But the evidence that you repented unto salvation is that you're still repenting today. लेकिन उस उद्धार का जो पश्चाताप है वो ये है कि आज भी आप उस पश्चाताप में रह रहे हैं. The evidence that you believed unto salvation years ago is you are still believing today. ये प्रमाण ये है कि आपने कई साल पहले उस पर विश्वास किया था आज भी आप उस पर विश्वास बने हैं और उस विश्वास में हैं. The evidence that you received Jesus as Savior and Lord a long time ago is that He is still saving you and reigning over you today. ये जो प्रमाण है जो आपने उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया बहुत समय पहले वो आज भी आप में दिखाई दे रहा है बना हुआ है. Paul speaks about the gospel in verse 1 and he says it's the gospel you received. और पहले पद में कहता है वो सुसमाचार जिसको तुमने ग्रहण किया है. And he also says, in which you stand. और जिस वो आगे ये भी कहता है कि जिसमें तुम आज भी स्थिर हो. A person who has truly believed the gospel stands upon the gospel. एक व्यक्ति जिसने सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया है वो उस पे बना रहता है. It is his only hope. यही उसकी एकमात्र आशा है.
He trusts in nothing else but what God has done for him. वो किसी और पर भरोसा नहीं रखता जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए किया उस पर केवल. I like to say it this way. मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा. If you walk up to a genuine Christian, यदि आप एक अपने आप को सही सिद्ध मसीह बताना चाहते हैं, and you say to him, सॉरी अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो अच्छा सही मसीह है उसे कहें, you are a very good man. आप उसे कहें आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. A very good man. आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. If anybody's going to heaven, you're going to heaven. यदि कोई भी स्वर्ग में जाने वाला तो आप जरूर जाएंगे. Because you have done so many good things. क्योंकि आपने बहुत सारी अच्छी चीजों कहा है. The Christian will vomit. वो जो अच्छा सही मसीह है वो उसको उलट देगा, उल्टी कर देगा. He'll get nauseous, sick in his heart. वो उसके हृदय में उसको विचलता है, बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी. And he'll say, "No, no." वो कहेगा नहीं, 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 नहीं. You don't understand. वो कहेगा तुम नहीं समझते इस बात को. I've done nothing to save me. मैंने अपने आप को बचाने लिए कुछ नहीं किया है. It's all him. केवल वो ही है. It's all Jesus. वही यीशु है जो उसने किया. To him be the glory. उसको महिमा मिले. Not to me. मेरे को नहीं. My best works are like filthy rags. मेरे जितने भी भले काम हैं वो सब पटे हुए भले चित्रण के समान हैं. Only Jesus. केवल यीशु मसीह. If you're hoping in something else, you are not a Christian. और यदि आप किसी और चीज पर आशा रख रहे हैं आप एक सच्चे मसीह नहीं है. Jesus is everything. यीशु ही सब कुछ है. We have nothing apart from him. हम उससे अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते. Do you see that? देख रहे हैं इस बात को? Oftentimes I will hear preachers say this. और कई बार मैं प्रचारकों को इस प्रकार से बोलते हुए सुनता हूं. They'll look at lost people in the congregation. वो अपने झुंड में उन लोगों को देखेंगे जो खोए हुए हैं. And they'll say, "You have a great life." आप उनसे कहेंगे आपके पास बहुत अच्छा जीवन है. You've got a good job. आपके पास अच्छा काम है. A beautiful family. आपके पास अच्छा परिवार है. But you just lack one thing in order to make your life wonderful. लेकिन आप एक चीज की आपको कमी है, घटी है कि आपका जीवन और अच्छा बन जाए. You need Jesus. आपको यीशु की आवश्यकता है. In my opinion, that preacher has blasphemed. मेरे सोच से ये व्यक्ति जो प्रचारक है वो धोखा दे रहा है. Do you understand how horrible it is to say that? और क्या आप इस बात को समझते हैं इस प्रकार से कहना कितने अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है? Here's the way the preacher should say it. यहाँ पर प्रचार को इस तरह से कहना है. You have a good job. आपके पास एक अच्छा काम है. That job will not save you on the day of judgment. आपका काम जो है न्याय के दिन आपको नहीं बचाएगा. You have a lot of money. आपके पास बहुत सारा पैसा है. All your money will rot in the grave. वो सारा पैसा जो है वो उस कब्र के साथ समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. You have a wonderful family. आपके पास बहुत अच्छा परिवार है. But they will be consumed by sin and they will die. वो पाप की आग में जल जाएंगे और मर जाएंगे. You must have Jesus Christ. आपको यीशु की आवश्यकता है. Because without him you have nothing. क्योंकि उसके बिना आपको आपके पास कुछ भी नहीं है. Jesus is everything. यीशु मसीह सब कुछ है. He has to be everything to us. वो मेरे और आपके लिए सब कुछ होना है. And we have to communicate that to the world. और इस प्रकार से हमें पर संसार के सामने उसको पहुंचाना है. That everything that's being done is wrong and it's going to be burned in the fire. और जो कुछ भी संसार में किया गया है सब कुछ गलत है, वो एक दिन अग्नि में जल जाएगा. Christ is everything. मसीह सब कुछ है. And without him you have nothing. बिना उसके आपके पास कुछ नहीं हो सकता. We have to stand on this truth. हमें इस सत्य पर खड़ा होना है. And not compromise it. हमें इसके साथ समझौता नहीं करना है. Do you realize that the Christians in the first and second century were persecuted as atheists? आपको मालूम है कि जो पहले और दूसरे शताब्दी में जो मसीह थे वो उनको सताया गया? Yes. Do you know why? क्यों? Because they said all the gods of the Roman Greek world were false and wrong and did not exist. क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा था कि जो भी रोम और यूनान के ईश्वर हैं वे सब गलत हैं, झूठे हैं. They said there's only one God. और उन्होंने कहा कि एक ही परमेश्वर है. And one Savior. एक उद्धारकर्ता है. And his name is Jesus Christ. और उसका नाम यीशु मसीह है. If we were to call a meeting tomorrow of all the newspapers and the
and everybody and call them here tomorrow. यदि कल आप एक मीटिंग बुला के जितने पेपर वाले न्यूज़पेपर हैं समाचार पत्र और दूसरे उनको आप बुलाएं. And we were to proclaim to them that Jesus is a savior, they would all love us. और they will all. They would all love us if we said he is a savior. हाँ, अगर हम उसे इनसे बुला कर कहें कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता है. But if we tell them he is the savior, they'll hate us. लेकिन अगर हम उनसे ये कहें कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता है तो वो हमसे घृणा करेंगे. I am sure that the Hindus would say that Jesus is something of a savior. और प्रभु जो हिंदू विश्वास करने वाले लोगों को कहेंगे कि हाँ यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता में से एक है. The Muslims even say Jesus is something of a savior. और वो मुस्लिम भी इसी तरह का विचारधारा को रख सकते हैं. But you see, the Christian says Jesus is the only savior. लेकिन मसीह केवल इस बात को कह सकता है कि यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता है. Even among those who call themselves Christians, we can say the same thing. और यहाँ तक कि जो अपने आप को मसीह कहते हैं उनके बीच में भी हम इस बात को कह सकते हैं. Some people say that they are saved by Jesus and by their good works. कुछ लोग ही कहेंगे कि हम यीशु के द्वारा और अच्छे भले कामों के द्वारा बच सकते हैं. But the true Christian says no. लेकिन मसीह सच्चा मसीह कहेगा नहीं. Only Jesus. केवल यीशु मसीह. All our righteousness comes from only Jesus. कि हमारी पूरी जो धार्मिकता है केवल यीशु के द्वारा मिलती है. We have nothing apart from Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते. The more that Christians understand that truth, जितना अधिक मसीह लोग इस सत्य को समझते हैं, the more they will be driven to joyfully serve the Lord. उतना अधिक वो आनंद के साथ यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे. As we teach people that they have nothing apart from Jesus Christ, their affection for Christ will grow. और अगर हम इस बात को कहेंगे कि यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं तो उनका जो प्रेम है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति ही बढ़ेगा. And the more that they understand that everything in the world apart from the Jesus will be lost, the more they'll cling to Jesus. और जितना अधिक इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब नाश हो जाएंगी तो उनका जो रुझान है या लगाव है यीशु मसीह में बढ़ेगा. Now Paul says, the gospel I preach to you, पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैं प्रचार करता हूँ, which also you received, जिसको तुमने ग्रहण भी किया है, in which also you stand, जिसमें तुम स्थिर हो, by which also you are saved, उसी के द्वारा तुमने उद्धार भी पाया. I want to use the charismatic movement for a second as an example of this. इसके लिए मैं उदाहरण के रूप में जो charismatic आंदोलन है उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान लाना चाहूंगा. When I hear many of their preachers, they talk about they promise people all kinds of things that God's going to give them. और जब वो प्रचार करते हैं प्रचारक तो उन लोगों को बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर उनके लिए करना चाह रहा है. If you come to Jesus, he will heal you. आप यीशु के पास आएंगे यीशु आपको चंगाई के देगा. If you come to Jesus, he will give you money. आपके यीशु पास आएंगे यीशु आपको पैसा देगा. If you come to Jesus, he will prosper you. आपको वो संपन्नता देगा. I very rarely hear them say, if you come to Jesus, you will be saved from sin and eternal damnation. और बहुत कम उनके मुंह से आप ये सुनेंगे कि वो इस बात को कहें, यदि तुम यीशु के पास आओगे तो वो तुम्हें उद्धार देगा, अपने तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा और तुम उस अनंत विनाश से बच जाओगे. What does it matter if a man is healed if he then goes to hell? क्या इसका अर्थ होगा तात्पर्य होगा कि यदि एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करने के बाद भी नरक में जाता है. What does it matter if a man owns the world and then goes to hell? यदि एक व्यक्ति सारे संसार को भी प्राप्त करता है और उसके बाद नरक में जाता है तो क्या लाभ? The greatest promise we can give to people is that God will forgive them their sins. और सबसे बड़ी जो महान प्रतिज्ञा है जो हम लोगों को दे सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर तो उनके पापों को क्षमा करेगा. And give them eternal life, which is a relationship with him. और वो उस अनंत जीवन को देगा जो उसके साथ एक अनंत संबंध. Today it seems that modern man
does not think that salvation is all that wonderful. और आज इस प्रकार से सोचा जाता है कि जो आधुनिक व्यक्ति है वो उस पापों के छुटकारे के बारे में नहीं सोचता. They do not care about being saved from their sin. वो अपने पापों से किस प्रकार से छुटकारा उसको उसको कोई चिंता नहीं. Maybe it's because we're not preaching clear enough about their sin. हो सकता है संभवतः हम जो सुसमाचार को सुस्पष्ट साथ उन्हें प्रचार करना चाहिए नहीं कर रहे हैं. Men need to understand who God is. मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कौन है. And they need to understand who they are. और उनको यह भी समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में वो कौन है. They need to understand how vile their sin is. और उनको यह समझने की आवश्यकता है कि उनके जो पाप हैं वो कितने गंभीर हैं. They need to understand that the wrath of Almighty God is coming against them. वो इस बात को भी उन्हें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का क्रोध उस सामर्थी परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ रहा है. When they understand that, और जब वो इस बात को समझेंगे, they will no longer be thinking about physical healing. और तब वो केवल शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं सोचेंगे. They won't be thinking about getting all the money they can. और तब जो उस सारा धन जो उनको प्राप्त होता है उसके बारे में नहीं सोचेंगे. They'll be thinking about being saved from the wrath of God. और तब वो उस बात के लिए सोचेंगे जो परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आने वाला है. And they will run to Christ. और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ेंगे. And the great joy of their life will be that they are saved. और तब उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद ये होगा कि वे उद्धार को प्राप्त करें. Do you understand anything about how sinful man really is? और क्या आप इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य कितना भयंकर पापी है? Do you understand the justice of God? क्या आप परमेश्वर के न्याय को समझते हैं? Do you have an idea about the wrath of God that is going to fall on this world? क्या आपके पास उस चीज की समझ है कि परमेश्वर का प्रकोप जो इस पृथ्वी पर आने वाला है? Do you understand that every day hundreds of thousands of people are being thrown in hell? क्या आप इस बात की समझ रखते हैं कि प्रतिदिन असंख्य लोग उस नरक की आग में फेंके जा रहे हैं? That should influence our preaching. और ये हमारे प्रचार के द्वारा इसको प्रभाव पड़ना है. We need to teach men about the love of God. हमें मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार करना है. We also need to teach them about the wrath of God. और हमको परमेश्वर के प्रकोप के बारे में उनको प्रचार करना है. If you come up to me and you say, Brother Paul, how are you doing? अगर आप मेरे पास आए पूछे मुझसे कि ब्रदर पॉल आप कैसे हैं? I say I'm doing fine. और मैं कहूंगा मैं बहुत अच्छा हूं. But Brother Paul, you just got out of the hospital. Sorry? You just got out of the hospital. Again, hospital. Okay, hospital. अच्छा कि लेकिन तो आप अभी तो आप हॉस्पिटल से बाहर आए. And we heard that you're sick. अब हमने सुना कि आप बीमार थे. And we heard that you have pain. हमने सुना था कि आप बीमार आपके पास दर्द था पीड़ा थी. And you can't sleep at night. और आप रात में सो नहीं सके. How can you say that you're doing fine? और आप कैसे कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ? I'm not going to hell. मैं नरक में नहीं जा रहा हूँ. I have been saved. मैं बच चुका हूँ. All my sins are gone. मेरे सारे पाप क्षमा किए गए हैं. I have a relationship with God and Jesus Christ. मेरा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह में संबंध है. I'm doing fine. और इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ. Do you see what I'm talking about? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? Have you ever heard of the man Bill Gates? He's one of the richest men in the world. Yes. Bill Gates का आपने सुना होगा कि वो भारत के और सारे विश्व के एक बहुत धनी व्यक्ति हैं. If I walk up to him और मैं भी उसके पास जाऊं उससे बात करूं and give him a 3-day-old cold jar of curry, अगर मैं 3 दिन पुरानी एक जो करी का बर्तन है उसमें सब्जी या दून को made by an American, so it doesn't taste very good. अमेरिका के द्वारा ठीक से ज़्यादा स्वाद नहीं हो बनाई गई है. And I give it to him. और मैं उसको दूँ. He's not even going to taste it. और वो उसका शत वो चखेंगे भी नहीं. He throw it on the floor. वो उस शत ऐसे ही फेंक देंगे. He said, I don't care. और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है. I don't want that. मुझको नहीं जरूरत. But if I take the same jar of curry to a person who's starving to death. लेकिन मैं वही पात्र उस करी का सब्जी का लेके एक ऐसे व्यक्ति को जो भूख से तड़प रहा है उसके पास ले जाऊं. They will eat it. वो खाएगा.
And they will kiss my hands. और वो मेरे हाथों को भी चूमेगा. And they will bless me. और वो मुझे आशीषित करेगा. That's a good illustration. ये एक अच्छा उदाहरण है. The world doesn't know how sinful it is. संसार नहीं जानता वो कितना अधिक पापों में डूबा हुआ है. It doesn't know how poor it is. वो ये नहीं जानता वो कितना अधिक निर्धन है. It doesn't know what danger it's in. वो ये नहीं जानता वो कितने अधिक भयानकता में है. And therefore, when we present salvation, they don't care. और जब हम उनके लिए उसको उद्धार का देते हैं तो वो उसकी चिंता नहीं करता. Whose fault is that? किसका गलती किसकी है? Ours. ये हमारी गलती है. The preacher. हमारे जो प्रचारक. Now we do not need to have mean spirits. हमें इसका मतलब ये कि हमारे पास एक ऐसी दबी हुई छोटी आत्मा हो. We don't need to be angry people. हमें क्रोधित व्यक्ति नहीं होना है. But we need to start telling people the truth. लेकिन हमको उस सत्य को लोगों तक बताना है. So that they will be happy about salvation. ताकि वो उस उद्धार के बारे में समझ सके. Now let me say something else about this truth. इस सत्य के बारे में मैं कुछ एक और बात आपको बताऊं. Many Christians think of heaven in the wrong way. बहुत सारे मसीह जो हैं, वो स्वर्ग को गलत रीति से समझते हैं. The blessing of heaven is not that it is perfect. जो स्वर्ग की जो आशीष है वो नहीं कि वो सिद्ध नहीं है. It's not that we are without pain in heaven. ये मतलब नहीं कि हम स्वर्ग में किसी भी पीड़ा के नहीं. It's not that we get everything we want in heaven. जो कुछ भी हमें वहां चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा. The great blessing of heaven is that God is there. कि सबसे बड़ी जो आशीष है वो परमेश्वर की उपस्थिति की वहां पर है. And we will know him. और हम उसको जानेंगे. Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूं. You're evangelizing a lost man on the streets. एक आप सड़क पे एक ऐसे व्यक्ति को सुसमाचार दे रहे हैं जो खोया हुआ है. And you say to him, do you know you're a sinner? और आप उससे कहें कि आप जानते हैं कि आप पापी हैं? And he says yes. कहे हाँ. That doesn't mean anything. उसका कोई अर्थ नहीं, तात्पर्य नहीं है. The devil knows he's a sinner. वो शैतान भी जानता है कि वो पापी है. The question is not do you know you're a sinner? कि प्रश्न ये नहीं कि तुम जानते हो कि तुम पापी हो. But has your heart changed with regard to your sin? लेकिन क्या तुम्हारा हृदय उस पाप के प्रति परिवर्तित हुआ है? Do you hate the sin you once loved? क्या आप उस पाप से घृणा करते हैं? If a person tells us he knows he's a sinner, अगर एक व्यक्ति कहे कि हाँ वो जानता है कि पापी है, a lot of times we will ask him the question, would you like to go to heaven? तो हम उसे पूछना चाहेंगे, बहुत समय ये प्रश्न करना चाहेंगे, क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे? If he says, oh yes, I would love to go to heaven. और ये वो क्या कि हाँ हाँ मैं स्वर्ग में जाना चाहूँगा? That doesn't mean anything. इसका कोई तात्पर्य नहीं है, अर्थ नहीं है. I'm sure the devil would like to get back into heaven. और मैं इस बात से निश्चित सोचता हूँ कि शैतान भी स्वर्ग में जाना चाहता होगा. Everybody wants to go to heaven. हर एक जन स्वर्ग में जाना चाहता है. Do you know somebody who says, no, I'd rather go to hell? आप किसी को जानते हैं कोई कहेगा कि नहीं मैं नरक में जाना चाहूँगा? No. नहीं. Everybody wants to go to heaven. हर एक जन स्वर्ग को जाना चाहता है. That's what government is about. और यही जो सरकार की नीतियां हैं. Trying to create a utopia on earth. और वो जो सरकार की प्रयास है कि इस पृथ्वी पे एक ऐसा स्थान बना दे जो बहुत ही विश्राम का और आराम का हो. Everyone wants to go to a perfect place. कि हर एक व्यक्ति एक सिद्ध स्थान पर जाना चाहता है. Where they suffer no pain. जहां पर कोई कष्ट और पीड़ा ना हो. And where there is joy. जहां पर आनंद हो. Everyone wants to go to heaven. हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है. But they don't want God to be there when they get there. लेकिन वे जब जाएंगे तो वहां परमेश्वर को नहीं देखने पाएंगे. And that's the problem. ये समस्या है. Many times preachers will preach about heaven and leave God out of the picture. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जब sorry. And they will preach about heaven, but they won't talk about God. वो स्वर्ग के बारे में तो प्रचार करेंगे, सिखाएंगे, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं बात करेंगे. I do not get excited about walking down streets made of gold. और मैं केवल उस जो सोने की सड़क है उस पर चलने के लिए ज्यादा आनंदित नहीं होऊंगा. I don't get excited about gates made out of pearl. वो जो 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 दरवाजे हैं और हीरो जरावत जावरत जराब हीरो से जो जुड़े होंगे उनकी मुझे चिंता नहीं है. But to be excited that I will know God.
लेकिन मैं इस बात से उत्तेजित होऊंगा कि मैं परमेश्वर को जानूंगा देखूंगा. The question is not, do you want to go to heaven? प्रश्न ये नहीं क्या तुम स्वर्ग को जाना चाहते हो. The question is, do you want God? प्रश्न है क्या तुम परमेश्वर को चाहते हो. Now men, listen to me. भाइयों मेरे द्वारा सुनिए मेहरबान से. Most preachers do not spend much time preaching on God. बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो परमेश्वर के बारे में प्रचार करने में समय नहीं लेते. Have you preached on the holiness of God? क्या आपने परमेश्वर की पवित्रता पर प्रचार किया? You say, yes, I've told the congregation they should be holy. और मैंने कहा कि हाँ, मैंने लोगों से कहा कि तुम्हें पवित्र बनना है. That's not what I'm talking about. मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. I asked, have you preached on the holiness of God? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने परमेश्वर की पवित्रता के बारे में प्रचार किया? What does it mean that he's holy? इसका मतलब क्या है कि वो पवित्र है? Have you preached on the beauty of his holiness? क्या आपने उसकी सुंदरता जो पवित्रता की उस पर प्रचार किया? The omniscience of God? Omniscience. He knows everything. परमेश्वर की संपूर्ण ज्ञान के बारे में कि वो सब कुछ जानता है. The omnipotence or power of God? परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर की प्रभुता के बारे में. See, most of the people in our churches are not motivated to serve Christ. कि हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग का सेवा के लिए प्रोत्साहित नहीं किए जाते हैं. Because they really don't understand what Christ has done for them. क्योंकि वो नहीं समझते कि सचमुच में परमेश्वर उनके लिए क्या-क्या है. And most aren't excited about God as a person. और बहुत सारे लोग इस बात के लिए उत्तेजित नहीं कि परमेश्वर व्यक्ति के समान है. Because they know almost nothing about God. क्योंकि परमेश्वर के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते. Because we have shared with them so little about God. क्योंकि हमने उस परमेश्वर के बारे में बहुत थोड़ा उनको बताया है. We ought to be men who are literally saturated in the knowledge of God and the gospel of God. और हम उस प्रकार के लोग हैं जो हम सुसमाचार के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान से तृप्त किए हुए हैं. Just completely full of joy because of Christ. कि पापा मसीह के कारण उस आनंद से परिपूर्ण है. Now, he says, by which also you are saved, in verse 2, if you hold fast the word which I preach to you. और जिस दूसरे पद में जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो, इस शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसका मैंने तुम्हारे माध्यम प्रचार किया दृढ़ता से थामे रहो. Now, he says that we are saved if we hold fast. यदि हम बचाए गए हैं, यदि हम दृढ़ता से थामे रहें. That means if we do not hold fast to the gospel, we are not saved. यदि हम सुसमाचार को दृढ़ता से नहीं थामे रहें, हम बचाए नहीं गए हैं. Now this is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. Is Paul teaching us that a man can genuinely be saved and lose his salvation? और क्या पौलुस बात की शिक्षा दे रहा है कि एक मनुष्य गंभीरता से वो बचने के बाद भी अपने उद्धार को खो सकता है? I do not believe he is teaching that. मैं ये नहीं विश्वास कर रहा हूँ कि वो इस बात की शिक्षा दे रहा है. But he is teaching something. लेकिन यहाँ पर कुछ शिक्षा दे रहा है. He is telling us that if you do not hold fast to the gospel, you will not be saved. और लेकिन वो कह रहा है यदि तुम सुसमाचार को नहीं थामते हो तो तुम बचाए नहीं जाओगे. So what does he mean? इसका मतलब क्या है? He means this. उसका मतलब ये है. The same thing that James taught in James chapter 2. वो जो याकूब उसके दूसरे अध्याय में वो ये शिक्षा देता है याकूब. James says that faith without works is dead. याकूब इस बात को कहता है जो विश्वास है बिना कर्म के मृतक है मरा हुआ है. But Paul says that we're saved by faith without works. लेकिन पौलुस कहता है कि हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं बिना कर्मों के. Are they contradicting one another? क्या वो एक दूसरे के विरोधाभास है? Absolutely not. नहीं. James would agree that salvation is by faith alone in Jesus Christ. याकूब इस बात पर पूर्ण विश्वास करता है कि उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह पर मात्र विश्वास करने ही के द्वारा है. And Paul would agree that the evidence that you believe is that you now have works. और पॉल उस बात पर भी विश्वास करेगा कि अगर वो प्रमाण तुम्हारे लिए है जो तुमने विश्वास पाया है कि वो काम के द्वारा. The way that you are saved is by faith alone.
But the evidence that you have been saved by faith alone is you continue to hold on to the gospel. लेकिन जो आपका वो विश्वास के द्वारा जो बचाए गए उसका जो प्रमाण है वो ये है कि आप सुसमाचार को किस प्रकार से दृढ़ता स्थान है. Do you see how important this is? आपको मालूम है कितना अधिक महत्वपूर्ण है ये? Because there's two extremes that do great damage. लेकिन दो जो एक समझ से बाहर होकर चलने में जो हानि पहुंचा सकती हैं. One is that salvation is by faith, but you've got to keep yourself saved by works. और विश्वास के द्वारा आप बचाए गए हैं, लेकिन काम के द्वारा उसको बचाकर रख सकते हैं. That is wrong. वो गलत है. And it leads people into great bondage and fear. लेकिन वो जो है मनुष्य को भय में आगे बढ़ा सकता है. We are saved by faith, and we continue saved by faith. हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं और निरंतर विश्वास के द्वारा बचाए जाते रहते हैं. The other extreme is this. दूसरा एक पहलू है जो अलग हिस्से है. If you believe in Jesus, you're saved. यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर आप बचाए गए हैं. Even if you live like the devil for the rest of your life. कि आप पूरे जीवन में चाहे शैतान की तरह जीवन व्यतीत करें. And you totally depart from Christ and the church. कि आप कलीसिया और कलीसिया और मसीह से बिल्कुल अलग हो गए. You are still saved. You अब तभी भी बचे हुए हैं. That's not true either. ये सही नहीं है. The truth is this. सत्य तो ये है. If you live like the devil, यदि आप उस शैतान के अनुसार उसके अनुसार जिएंगे. If you depart from the gospel, यदि सुसमाचार से आप हटेंगे. It is evidence that you never truly were saved. इसका ये प्रमाण ये है कि आप वास्तविक से कभी आप सच्चाई के साथ बचाए नहीं गए. Do you see how important this is? क्या आप इस बात को देखते हैं कितना महत्वपूर्ण ये है? Salvation is by faith alone. जो उद्धार है वो केवल विश्वास के द्वारा है. But if you have been saved, लेकिन यदि आप बचाए गए हैं, you have been born again. आपको नया जन्म पाना है. You have become a new creature. आप एक नई सृष्टि बनाए गए हैं. You're going to live a different way. आप एक भिन्न रीति से आपको जीना है. And also, God is now your father. और आप परमेश्वर आपका पिता है. And he does not lose his children. वो अपने बच्चों को कभी खोता नहीं है. And if his children disobey him, he disciplines them. वो यदि उसके बच्चे अनाज्ञाकारी होते हैं, वो उनको अनुशासित करता है. And that's one of the great evidences that you are a child of God. और ये एक प्रमाण है कि आप परमेश्वर के संतान हैं. Is that God disciplines those whom he loves. कि परमेश्वर जिससे वो प्यार करता है, उनको वो अनुशासित करता है. Now in verse 3, तीसरे पद में, he says, I delivered to you as of first importance what I also received. उसने कहा, मैंने ये बात जानकर तुम तक पहुंचा दी, उसे सबसे मुख्य जानकर जो तुम तक पहुंचा दी. Now first of all, Paul says that he received this gospel. पौलुस कह रहा है, मैंने सुसमाचार को प्राप्त किया. What does that mean? उसका मतलब क्या है? It means that he received a special revelation from God. उसका मतलब यह है कि उसने परमेश्वर से एक विशेष प्रकाशन को प्राप्त किया. He did not learn this gospel from the other apostles. उसने दूसरे प्रेरितों के द्वारा इस सुसमाचार को नहीं सीखा. He received it by way of revelation. लेकिन उसने एक विशेष प्रकाशन के द्वारा इसको प्राप्त किया. Now this is very important. और यह एक बहुत महत्वपूर्ण है. Paul received his gospel from Jesus Christ. कि पौलुस ने उससे सुसमाचार को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया. But also notice this. लेकिन इस बात पर भी ध्यान दीजिए. The book of Galatians tells us that Paul went to Jerusalem. लेकिन गलतियों की पुस्तक में इस बात को मालूम चलता है कि वो यरूशलेम में गया. For the other, so that the other apostles would examine and approve his gospel. कि ताकि दूसरे जो प्रेरित हैं उसको परख सकें और उसके सुसमाचार का के साक्षी दे सकें. This is a great lesson for us. ये मेरे और आपके लिए एक महान इसमें शिक्षा है. Men, there is a sense in which Jesus Christ must teach you the gospel. और ये मेरे भाइयों ये है कि प्रभु यीशु मसीह को आपको उसका सुसमाचार सिखाना है. Just Jesus, you and the Bible. कि केवल यीशु मसीह आप और परमेश्वर का वचन. It isn't a gospel that you've just learned from somebody else. वो सुसमाचार वो नहीं जो किसी दूसरे के द्वारा आप सीख रहे हैं. But you have studied the scriptures. कि लेकिन आपने वचन का अध्ययन किया है. The spirit of God has revealed things to you. कि परमेश्वर के आत्मा ने आपको प्रकट किया है. Things that have filled you with joy. कि वो चीजों ने आपके हृदय को भरपूर कर दिया है. You know when you're reading the scriptures. आप जब आप पढ़ रहे हैं तो वचन को पढ़ रहे हैं आप जान रहे हैं.
And all of a sudden the Spirit of God shows you something you've never seen before. और एकदम से परमेश्वर का आत्मा आपको एक नई चीज दिखा देता है जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं देखा था. How many of you have ever experienced that? आप में से कितने लोगों ने ऐसे अनुभव किया है? Oh brothers, you need to. आपको इसका अनुभव करना है. That God is teaching you the gospel. कि परमेश्वर आपके वचन आपको सुसमाचार सिखा रहा है. However, at the same time, और उसके साथ साथ उसके लिए उसके साथ साथ भी as you are studying the gospel and Christ is revealing things to you, जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और मसीह आपके जीवन में प्रकाशन डाल रहा है, you need to compare what you're learning to other Christians. और तब आपको दूसरे मसीहों से भी जो सीख रहे हैं उससे भी आपको तुलना करना है. And the doctrine that has been throughout the history of the church. और जो उस कलीसिया की जो सिद्धांत हैं, जो शुरू से आरंभ से हम कलीसिया में देख रहे हैं. Let me give you an example. मैं एक उदाहरण आपको दूं. If I think God has showed me something in the scriptures. यदि परमेश्वर ने मुझे कुछ चीजें इस पवित्र शास्त्र में दिखाई हैं. And I compare what I think God has showed me, my interpretation. और यदि मैं दूसरों के साथ उसकी परख करता हूँ जो मेरा परमेश्वर ने मुझे दिया है. To all the great preachers and theologians down through the history of the church. और जो कलीसिया में वो बहुत सारे विद्वान जिन्होंने धर्म ज्ञान को और शिक्षाओं को लिखा है. And none of them has ever thought about what I just learned. और शायद उन्होंने कभी इस प्रकार से नहीं सोचा जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है. In fact, my interpretation contradicts everything they taught. लेकिन जो कुछ भी उन्होंने अभी तक सिखाया है, मेरा जो मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसका अनुवाद उससे भिन्न हो रहा है या विवादों में आ रहा है. Then who is probably विरोधाभास में है? Then who is probably wrong? तो कौन उसमें गलत होगा? Probably me. I need to sit alone with the scriptures and be taught of God. मुझे परमेश्वर के वचन के साथ अकेला बैठना है और वचन परमेश्वर मुझे सिखाए. But I need to compare my interpretation to other godly men. लेकिन मुझे उस वचन के शिक्षा को ज्ञान को दूसरे जो परमेश्वर के भक्त जन हैं उनसे भी तुलना करना है. To other godly teachers throughout history. जो पूरे इतिहास में परमेश्वर के भक्त जन जो शिक्षक के रूप में रहे हैं. If they are all in agreement. क्या वो उससे सहमत हैं जो मैं सोच रहा हूँ? And they disagree with me. या मुझसे असहमत हैं जो मैं सोच रहा हूँ? I'm probably wrong. होता मैं गलत होऊंगा उस समय. That's a very important lesson. ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है. Let me share with you some of my favorite preachers. मैं आपके सामने कुछ जो मेरे जो प्रसिद्ध प्रचारक हैं उनका नाम मैं लेना चाहूंगा. Charles Spurgeon. Martin Lloyd Jones. Martin Jones जन नाम ले रहे हैं. The Puritans. Puritans. And the Reformers. और भी जो Reformers हैं जो बहुत सारे हुए. Now I don't agree with everything. वो ये सच है कि मैं बहुत सारी चीजों से सब बातों से सहमत नहीं हूँ. But when I have studied the scriptures myself, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को स्वयं अध्ययन किया है, it's good to compare what I'm learning to other men. लेकिन ये अच्छा है कि जो मैं सीख रहा हूँ उसे दूसरे लोगों से भी मैं उसकी तुलना करूँ. To make sure that I'm not running in vain. तो इसका इस चीज को हमें सावधान होना है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ. So we do both things. हम दोनों बातों को करते हैं. We receive the gospel from Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं. And we compare what we think we know to other godly believers. लेकिन उसके साथ-साथ जो परमेश्वर के भक्तजन हैं, उनके द्वारा उन शिक्षाओं को, उन ज्ञान को हम तुलनित करते हैं. Now why have I said all that? मैंने ये सारी बातों को क्यों आपसे कहा है? This is a very important truth with regard to the gospel. ये सुसमाचार के संदर्भ में एक बहुत बड़ा सत्य है. If you take the modern day gospel that's preached by many evangelicals, जो आज बहुत आधुनिक युग में जो बहुत सारे सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है सुसमाचार, and you compare that gospel to the greatest preachers of many years before, और यदि आप उन सुसमाचार को उनसे आप तुलना करें जो बहुत वर्षों पूर्व सुसमाचार प्रचार किया गया महान प्रचारकों के द्वारा, you will find that there is a great contradiction. आप पाएंगे उनमें बहुत अधिक विरोधाभास है. We need to return to the scriptures. हमें वापस इस सुसमाचार में आना है, वचन में आना है. And we need to return to that great line of faithful preachers who preach the gospel. और हमें उस स्थान पे जाना है जो बहुत बड़ी एक सेना या एक झुंड है उन महान विश्वासयुक्त प्रचारकों का जिनको हम देखते हैं. Now the last thing I want to say here is he says,
For I delivered to you as of first importance. और तब वो कहता है कि जैसे मैंने एक महत्वपूर्ण चीज को समझकर आप तुम्हारे हाथों में दिया है. There is no message more important than the gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से अधिक महत्वपूर्ण और कोई संदेश नहीं है. Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं? Well, then how much do you study the gospel? तो आप कितना अधिक सुसमाचार वचन का अध्ययन करते हैं? And how dedicated are you to preaching it? कितना अधिक आप इस बात पे समर्पित हैं कि आप उस सुसमाचार का प्रचार करें? In the next session, I'm going to show you how the gospel can have a great impact on the Christian's life. और दूसरे भाग में हम देखेंगे सुसमाचार किस प्रकार से लोग के जीवन में एक प्रभाव डाल सकता है. And then we're going to go on to start to learn what is this great gospel. और तब हम और अधिक आगे बढ़ेंगे और सीखना चाहेंगे ये एक महान सुसमाचार क्या है. Whenever I preach this, I know that I have failed to communicate what I wanted to communicate. और जब कभी मैं इस बात को प्रचार करता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, शायद उसमें मैं फेल असफल हुआ हूं. And that is the great importance of the gospel. लेकिन ये सुसमाचार के एक गहराई, एक महान सत्यता है. Many, many, many years ago, when I graduated from seminary, my professors were encouraging me to get my PhD. मेरे जो प्रोफेसर थे या शिक्षक थे, वो मुझे उत्साहित कर रहे थे कि मैं उसमें और दक्षता प्राप्त करूं. And they said, "What would you like to study?" और तब उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम पढ़ना चाहोगे? I said, "The gospel." मैंने कहा सुसमाचार. And one of them said, "That's already been done." और तब किसी ने कहा कि हाँ, वो तो हो चुका है, उसकी तो थीसिस सब तैयार हो चुकी है, पढ़ चुका है. And that's when I decided I was not going to get my doctorate at that place. और तब फिर मैंने निश्चय किया कि उस स्थान से मैं अपनी उद्यक्षता की डिग्री नहीं लूंगा. It has been now more than 20 years that I started studying a systematic study of the gospel. और 20 साल हो गए जब मैंने एक नियमित रीति से परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को अध्ययन करना आरंभ किया. And I'm not even close to even starting. और यहां तक कि जो मैं आरंभ किया है, लेकिन मैं अभी तक उसके आरंभ के इवन करता मैं नहीं आने पाया. And the more I see, the more glorious it becomes. और जितना अधिक मैं इसमें गहराई में जाता हूँ, उतना अधिक उसकी महिमा को मैं देखता हूँ. And the larger it gets. और जितना अधिक विशाल विस्तार के साथ मैं उसको पहचानता हूँ. And the more it controls my life. वो अधिक मेरे जीवन को नियंत्रित करता है. I love the law of God. मैं परमेश्वर के व्यवस्था को से प्रेम करता हूँ. But it's not the law of God that motivates my life. लेकिन वो परमेश्वर की व्यवस्था, नियम मेरे जीवन को किसी प्रकार से प्रेरित नहीं करते. It's the gospel of God. लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार. Sometimes when I'm discipling my little children, कई बार जब मैं अपने छोटे बच्चों को अनुशासित करता हूँ, I try to communicate to them the importance of the gospel. और मैं प्रयास करता हूँ कि सुसमाचार के अर्थ को मैं उन तक पहुँचाऊँ. And I ask them, I say, do you love your dad? मैं कहता हूँ कि क्या तुम अपने पिता से प्यार करते हो? Yes, dad. Yes, जी हाँ. Do you think I'm a good man? क्या तुम सोचते हो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ? Yes. वो कहता हाँ. Or tell me why. बता, मैं कहता हूँ क्यों? Well, you spend time with us. कि तो आप मेरे साथ समय व्यतीत करते हैं. And I tell them that's because of Jesus and the gospel. कि मैं केवल सुसमाचार और यीशु के सुसमाचार और यीशु के कारण करता हूँ. And they say, well, you always laugh and play with us, and I say that's because of Jesus and the gospel. कि तुम मेरे साथ हमेशा हंसते हो और मेरे साथ खेलते हो, मैं कहता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण. You work hard to provide things for our family. कहते हैं कि तुम कठिन परिश्रम करते हो और जो परिवार की आवश्यकता है उसको पूरा करते हो. Children, that is because of Jesus and the gospel. बच्चों, केवल वो यीशु के कारण और उसके सुसमाचार के कारण. If it was not for Jesus and the gospel, your father would be an evil man. और यदि वो यीशु सुसमाचार और उस यीशु के साथ होता, तुम्हारा पिता जो है वो एक दुष्ट व्यक्ति होता. And our family would be destroyed. और हमारा परिवार बिखर जाता है, टूट जाता. Everything is the gospel. सब कुछ सुसमाचार के कारण. Everything. सब कुछ सुसमाचार का. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें.
Father, I pray that you would use this for your glory. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको अपनी महिमा के लिए उपयोग करें. And for the benefit of your people. अपने लोगों के लाभ के लिए. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में. Amen. Amen. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.